हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किवानो रिसर्च एंड इनोवेशन चैनल में। फ्रेंड्स, आज जो हम देखने वाले हैं अपसेट पार्ट टू। पार्ट वन आपने देखा नहीं है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए, नहीं तो ये पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। आज हम देखने वाले हैं पाई ग्राफ, लाइन ग्राफ और बार चार्ट कैसे बनाते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था यहाँ पर प्रोफाइल फोटो, नेम और जो कार्ड व्यू है इसे हम कैसे किसी भी अरेंजमेंट के ऊपर ले सकते हैं, और आज हम देखने वाले हैं कि ये पाई चार्ट, लाइन चार्ट और ये ग्राफ कैसे बनाते हैं। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए देखते हैं। आपका फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। पहले पार्ट में हमने देखा था इस टाइप से हमने थोड़ा सा डिजाइन किया था और ये कोडिंग थी पहले पार्ट की। पहला पार्ट आप जरूर देखिए। इसके बाद हम यहाँ पर फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पार्ट है हम यहाँ पर एक एक्सटेंशन अपलोड करने वाले हैं। एक्सटेंशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर जो है सिंपल चार्ट का एक एक्सटेंशन है, आपको मिल जाएगा। इसे सिंपली अपलोड होने के बाद डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए आपके स्क्रीन पर। ब्लॉक में आइए, यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर हमें जो सेट करना है एक प्रोसीजर ले लेते हैं क्योंकि इसी को हमें इनिशियलाइज भी करना है। फ्रेंड्स, यहां पर हर एक ग्राफ के लिए, हर एक चार्ट के लिए हम नया प्रोसीजर लेने वाले हैं। इसे कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि हमें हर बार इसे इनिशियलाइज कराना है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा पाई चार्ट हो गया। अब यहाँ पे हम जो भी कोडिंग करेंगे, जो भी ब्लॉक करेंगे ये पाई चार्ट की होगी। तो सबसे पहले हमें स्क्रीन पे कुछ लेआउट लेना होगा। मैं यहाँ पे वर्टिकल अरेंजमेंट जो लेआउट है ये लूंगा। आप इसे अपने हिसाब से थोड़ा सेट कर लीजिए उसका स्पेसिंग। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो है पाई ग्राफ शो होगा। इसे हम थोड़ा सा रिनेम कर देते हैं, मतलब हमें जब ब्लॉक करेंगे तो वहां पर हमें आसानी जाएगी। तो चलिए ब्लॉक पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारा जो एक्सटेंशन है उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे फ्रेंड्स नीचे आइए, आपको डायरेक्टली यहाँ पर पाई चार्ट का एक ब्लॉक मिलेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लॉक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। दिखने में बहुत बड़ा लग रहा हो लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप सिर्फ पढ़ते जाइए, जैसे कि यहाँ पे अरेंजमेंट लग रहा है, हाइट लग रहा है, विड्थ लग रहा है, कलर्स लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें जो ग्राफ शो कराना है वो पाई चार्ट, मेरा जो वर्टिकल अरेंजमेंट है, आपका जो भी हो सकता है, मैंने वर्टिकल अरेंजमेंट जिसे नाम दिया था मैंने पाई चार्ट। और यहाँ पे कुछ हाइट सेट कर लीजिए एज पर योर डिज़ाइन, आपने जो भी डिज़ाइन किया होगा उसके हिसाब से। मैं यहाँ पे कुछ सेट कर लेता हूँ एक कॉमन सा 500 500। इसके बाद जो टेक्स्ट कलर रहेगा सेंटर का आप सिलेक्ट कर लीजिए कोई भी, मैं यहाँ पे ब्लैक लेता हूँ। कैप्शन कलर भी है जहां पर हमारी जो वैल्यू है वो शो होने वाली है, वो क्लियरली शो होना चाहिए, मैं इसलिए व्हाइट लेता हूं। कैप्शन टेक्स्ट साइज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो टेक्स्ट का साइज होगा वो थोड़ा सा आप मिनिमम रखिए। ओके, उसके बाद हमारा जो है इसे ट्रू ही रखना है सेंटर टेबल को। यहां पे वैल्यू, अपने जो कलर्स है वैल्यू की कलर्स यहाँ पे हम लिस्ट बनाएंगे फ्रेंड्स, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पर चार वैल्यू शो कराना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं चार जो हमारे ब्लॉक्स है उसे ज्वाइन कर देता हूँ। आप चाहे तो इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कुछ कलर्स लेता हूँ जो क्लियरली मेंशन हो, दिखे जब हमारा ग्राफ बने। जो नेचुरल कलर है मैं उसे यूज करना चाहूंगा।
इसे डुप्लीकेट कीजिए। यह है फ्रेंड्स, यहां पे हमारा जो सर्कुलर ग्राफ है उसका कलर शो होने वाला है। ऊपर के जो कलर्स है वो मेंशन होंगे नंबर्स, और ये जो कलर्स है यहां पर मेंशन होंगे आपका जो ग्राफ का कलर है, जो सर्कुलर कलर है वो शो होगा। इसी तरह से फ्रेंड्स वैल्यू का नेम्स, ये सब आप सब कुछ एज इट इज यहाँ पे कॉपी करके लगा सकते हैं। जो भी वैल्यूज जो आएगी उसका नेम जो होगा, वो नेम क्या क्या हो सकता है, जैसे कि पहला जो ग्राफ है रेड कलर का उसे क्या नाम होगा, ग्रीन कलर का है उसे क्या नाम होगा, और वायलेट और येलो इसे क्या क्या नाम होना चाहिए। एक तो आप इसे ब्लैंक भी रख सकते हैं या कुछ नाम भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 या ABCD। इसके बाद जो वैल्यूज है हमारी, हर बार यहाँ पे फ्रेंड्स हमने चार कलर लिए है, चार कंपोनेंट है, चार वैल्यूज शो करने हैं, तो यहाँ पे वैल्यूज भी चार ही होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कुछ वैल्यूज शो करते हैं जो कि पाई चार्ट में नंबर ऑफ जो रहेगा वैल्यूज वो शो करेगा। मैं यहाँ पे सिंपली 10-20 मेंशन कर देता हूं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ 30 और 40। ओके 10, 20, 30 और 40, आप चाहे तो कोई भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स ये वैल्यू आप एक तो डाटाबेस से भी ले सकते हैं या फिर टेक्स्ट बॉक्स से भी ले सकते हैं। ठीक है, जो सेंटर में टेक्स्ट दिखेगा वो क्या होगा, मैं चाहता हूं कि किवानो किट हमारा जो चैनल का नाम है वो शो हो जाए। साथ ही में उसका ही टेक्स्ट, जो सेंटर में टेक्स्ट होगा उसका साइज क्या होगा। फ्रेंड्स ये साइज आप अपने हिसाब से वहां पर मेंशन कर सकते हैं, आपका जो डिजाइन होगा उसके हिसाब से करिए। टेक्स्ट का साइज, उसके बाद जो नेम होगा डाटा सेट का, आप चाहे कुछ भी ले, वो सिर्फ नाम जो है आपके ग्राफ के साइड में शो होगा। ड्यूरेशन, ये जो एनिमेट होगा वो ड्यूरेशन क्या होगा इसका, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगा, छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए, और नीचे में जो है फ्रेंड्स ड्यूरेशन है जो आपका एनिमेशन का जो टाइमर है, जो कितने देर तक उसे एनिमेट दिखाना है वो शो होगा। आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, मैं यहाँ पे 1 सेकंड सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स सिंपली आपको फॉल्स कर देना है और कुछ नहीं करना। हो गया फ्रेंड्स, हमारा ये जो ब्लॉक है कंप्लीटली रेडी हो चुका है पाईग्राफ के लिए, तो चलिए इसे एक बार लाइव तो देखना ही चाहिए। ओके फ्रेंड्स, देखिए किस तरह से ये जो हमारा पाई चार्ट है वो रेडी हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स नीचे में देखिए नाम्स भी आ रहे हैं उसके, और जो है वैल्यूज वहां पे व्हाइट कलर में शोर है। चलिए हम कुछ वैल्यूज चेंज करके देखते हैं इस ग्राफ में कुछ चेंजेस आते हैं या नहीं। देखिए मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज लेता हूँ, यहाँ पे मैं 25, यहाँ पे 5, यहाँ पे 35। अब देखिए फ्रेंड्स थोड़ा रिफ्रेश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे चेंज हो गया है 5, हमारा जो वैल्यूज है वो चेंज हो गया है, ग्राफ भी चेंज हो चुका है। इसी तरह से फ्रेंड्स बाकी भी है, लाइन और जो बार ग्राफ है आप इसी तरह से बना सकते हैं। सेम इसके लिए भी आप एक नया प्रोसीजर लेना जरूरी है और प्रोसीजर को इनिशियलाइज करना भी जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, देखिए मैं यहाँ पर मैं प्रोसीजर लेता हूँ लाइन चार्ट के लिए, जो हमारा लाइन का ग्राफ होगा उसके लिए।
इसी तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो है इनिशियलाइज करना जरूरी है। अगर आप इनिशियलाइज नहीं करोगे तो आपका ग्राफ शो नहीं होगा, भले आप पूरा कोडिंग आपसे पूरा अच्छे से बना क्यों ना हो। ओके फ्रेंड्स, इनिशियलाइज होना जरूरी है। तो चलिए इसका कोड देखते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसी तरह से है हमारे एक्सटेंशन में चलते हैं। एक्सटेंशन में देखिए यहां पर डायरेक्टली हमारा जो है लाइन ग्राफ जो चार्ट है हमारा रेडी है। आपको इसी तरह से अरेंजमेंट, हाइट, कलर, वैल्यूज, ये सब कुछ एनिमेशन का शो कराना है, वो भी शो होगा एक नए अरेंजमेंट में। आपको हर बार नया अरेंजमेंट लेना है, वर्टिकल लीजिए या हॉरिजॉन्टल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको वहां पर रीनेम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब ब्लॉक करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं फटाफट कर देता हूं इसे। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। देखिए अरेंजमेंट, हाइट, विड्थ, ड्यूरेशन क्या होगा, सेम कलर लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो पॉज करके देखिए फ्रेंड्स, यहां पे ब्लॉक्स का रिपीटेशन है। आप चाहे तो ऊपर के ब्लॉक से भी कॉपी कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो लाइन ग्राफ है वो भी रेडी हो चुका है। इसी तरह से फ्रेंड्स आप ये देखिए बार ग्राफ, बार चार्ट यहाँ पे मैंने बना के रखा है, आप इसी तरह से इसे बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक आपके ऐप को ये दिला सकता है। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको इसी चीज को आप अगर आपके डाटाबेस से, फायरबेस डाटाबेस या एयरटेबल से चेंज करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके लिए मैं और एक बार ऐसा ही वीडियो जरूर बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है पाई चार्ट, ग्राफ चार्ट और लाइन चार्ट का आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। इस वीडियो को फ्रेंड्स आखिर तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।